अगर किसी यूनिट के अंदर अगर बारिश का पानी अगर गल जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कैसे ठीक करते हैं। अब देखेंगे तो मैंने ये सारा खोल के रखा हुआ है, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सारा इसमें ये पानी आ चुका है, तो बारिश का पानी है इसके अंदर, और इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें भी बारिश का पानी है। तो इसको सब खोल के इसका अलग अलग कर देना है पूरा, देखेंगे यहाँ कितना पानी है, तो इसको आप खोल के अलग अलग करके सबको पर्टिकुलर सबको अलग कर देंगे, जैसे कि मैंने इसको इसको कर दिया है। और आप देखेंगे इसका सारा का सारा जितना ही मटेरियल है उसको आप सारे को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे तो आप देखेंगे तो इसको आप देखेंगे तो सारे को बाहर निकालने के बाद इसको आपको देखेंगे तो इसको मैंने पूरा का पूरा इसको बाहर निकाल दिया है। और इसको अभी क्या है इसको आप देखेंगे तो ये इसका मैंने टोटल सारा आइटम मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इसको अभी हम दो ढाई घंटे के लिए तीन घंटे के लिए हम लोग अभी इसको धूप में सूखने छोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम लोग दोबारा से री इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। अब देखेंगे यहाँ पे कितना सारा पानी, सारे जगह पे पानी है। और आप अगर एक अगर आपका ट्रांसफॉर्म यूनिट अगर ख़राब हो ना तो ये आपके साथ अगर 5-6 भी लगे होंगे या 20 भी लगे होंगे ना तो वो सारे को ये काट सकता है। तो आप जहाँ भी यूनिट लगाएं आप पहले अपना ट्रांसफॉर्म जो रहता है उसको आप अच्छे तरीके से चेक कीजिए, उसके बाद आप उसको लगाइए, क्योंकि अगर एक ट्रांसफॉर्म लगेगा तो वो सारा ही ये हो जाएगा। या जैसे कि आवाज़ का आपका फटना और जैसे कि आपका कुछ मशीन ओवरलोड होना, एम्पलीफायर का ओवरलोड होना, तो ये कॉमन चीज़ है, इसमें आता है। और अगर आप ये करते हो तो लाइफ सोर्स हॉर्न का अगर काम करते होगे तो आपको पता होगा कि ये ट्रांसफॉर्म में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो आपको अगर ऐसे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, तो हम इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दूसरे कुछ वीडियो पे मिलते हैं, तो सी यू सून।